कांग्रेस के संगठन महासचिव और चौपाल से कांग्रेस के प्रत्याशी रजनीश किमटा का टिकट फाइनल होने के बाद सोलन पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। स्वागतकर्ताओं में सोलन में स्थायी एवं अस्थायी रूप से रह रहे चौपाल वासी शामिल हुए, जबकि सोलन और सिरमौर कांग्रेस के पदाधिकारी भी इस दौरान नजर आए। सोलन के एक निजी होटल में हुए इस स्वागत कार्यक्रम के बहाने रजनीश किमटा ने चौपालियों की नब्ज टटोली और कहा कि टिकट मुझे नहीं आप सभी को मिला है। किमटा ने निशाना सीधा सोलन से चौपाल साधने की कोशिश की। बता दें कि सोलन में सैकड़ों की संख्या में चौपाल के लोग रहते हैं, उनमें 300 के करीब ऐसे परिवार भी हैं जो स्थायी रूप से सोलन के निवासी हैं, जबकि स्कूल कॉलेज एवं अन्य कामकाजी लोगों की संख्या भी सैकड़ों में है। हालांकि स्वागत की तस्वीरें देखने के लिए तो बेहद अच्छी थी, लेकिन मतदाता के मामले में कितना सहयोग इनका रहता है ये असल में देखने योग्य बात है। इनमें चौपाल के मतदाता कितने हैं ये सबसे बड़ा विषय है, क्योंकि अधिकतर लोगों का वोट सोलन में ही है। रही अन्य कामकाजी लोगों की बात तो वह लोग कम ही अपने क्षेत्र में मतदान करने पहुंचते हैं। मतदान प्रतिशतता में कमी का भी ये एक कारण होता है कि बाहर बसे लोग या कामकाजी लोग कम ही वोट डालने पहुंचते हैं। बहरहाल जो भी हो ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन देखना ये है कि सोलन से निकली सियासी हवा चौपाल में राजनीति के तूफान को किस ओर मोड़ती है। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए चौपाल से सुरेंद्र ममटा की रिपोर्ट। मॉनसून के सुहाने मौसम में हिमाचल की पसंदीदा मारुति कारों पर आकर्षक ऑफर, चुनिए नई ब्रिजा, डिजायर, स्विफ्ट, ऑल्टो या फिर वैगनार। गोयल मोटर्स के जिला शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर के हर कोने में सेल्स और सर्विस का विशाल नेटवर्क, आपके घर द्वार पर सुविधाएं। मारुति सुजुकी की गाड़ियों की बुकिंग के लिए संपर्क करें 9317000172 पर।